दोस्तों, महिंद्रा XUV700 एरो कंसेप्ट के रेंडरिंग से पता चलता है कि XU900 कैसी दिख सकती है, क्योंकि XU900 कूपे SUV आखिरकार XU700 पर ही बेस्ड होगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिंद्रा भविष्य में किसी समय XU900 को पेश करेगी। यह 2016 ऑटो एक्सपो में शोकेस SUV एरो कंसेप्ट की एक मॉडर्न व्याख्या होगी, लेकिन इसकी नींव XU700 की होगी। चूँकि XU900 कुछ समय दूर है और क्योंकि हमने XU700 को करीब से देखा है, हमने यह देखना था कि कूपे SUV बनने पर कार कैसी दिखेगी। तो नतीजा हमारे सामने यह है कि महिंद्रा XU700 एरो कंसेप्ट रेंडरिंग जो हमें कम से कम यह तो दिखाती है कि XU900 शेप वाइज कैसी दिखेगी। दोस्तों, जैसा कि रेंडरिंग में देखा जा सकता है कि SUV की रूफ बी पिलर से नीचे की ओर ढलान लेना शुरू होती है और सी पिलर के पीछे एक विंग लाइक एलिमेंट के साथ समाप्त होती है। कर्व्ड रियर विंडस्क्रीन है और रियर क्वार्टर ग्लास भी हटा दिया गया है। इसके अलावा एक टेलगेट लिप स्पॉइलर है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। XU700 एरो कंसेप्ट पूरी तरह से 5-सीटर कार है। कार के बॉडी पैनल और स्ट्रक्चर को भी कमर के नीचे से छोड़ दिया गया है और यहां तक कि XU700 के टेल लाइट को भी बरकरार रखा गया है। दोस्तों, इसमें ध्यान देने की बस यही बात है कि यह सिर्फ एक कोशिश है और देखें कि XU700 पर बेस्ड कूपे SUV कैसी दिखेगी। हमें पूरा यकीन है कि महिंद्रा इसे XU900 बनाने के लिए पूरी चीज़ को पूरी तरह से बदल देगी। अलग अलग लाइटिंग यूनिट्स और कलर चॉइसेस होनी चाहिए, लेकिन इंटीरियर अच्छी तरह से XU700 से लिया जा सकता है। इक्विपमेंट लिस्ट समान हो सकती है और इसे पावरट्रेन ऑप्शंस पर भी लागू होना चाहिए। जब इसे 2024 के आसपास लॉन्च किया जाएगा तो XU900 ब्रांड का पहला कूपे SUV प्रोडक्शन मॉडल होगा। यह उन 9 नई SUVs में से होगी जिन्हें ऑटोमेकर ने 2021 से 2026 तक पेश करने की योजना बनाई है। दोस्तों, आपको कौन सी अच्छी लगी लुक वाइज XU700 या 900 मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप आज की वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो सबसे पहले आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल न्यू XU900 से रिलेटेड है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक के साथ एक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।